देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक बहू को अपने सास के हर गलत व्यवहार का जवाब बदतमीजी से ही देना चाहिए, मगर हाँ, बहू को इतना याद रखना चाहिए कि अगर सास अपनी सारी सीमा लांघ दे तो बहू को खुद अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए। भाई, अब तक मैं यहां से जा रही थी, पर आपके इस बर्ताव के बाद यह तय है कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं और दीदी, हम दोनों उसी घर में रहेंगे जहां हमारे पति हैं। फिर आपको जो कहना है, जो करना है, कर लीजिए। छोड़ो रमा, इतने सालों से हमने क्या नहीं किया। एक माँ की तरह हम दोनों ने इनके साथ व्यवहार किया। मेरा छोड़ो, तुमने तो इस बात का भी ख्याल रखा कि भले भीम भाव और इनकी सोच अलग है, कभी कभी दोनों में वैचारिक मतभेद होते, लड़ाई होती है, लेकिन तुमने कभी भी उसका प्रभाव इनके रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? बस हमेशा हमें बुरा भला कहा। हर गलत चीज के लिए सिर्फ तुम्हें जिम्मेदार ठहराया है। चलो अब हम कहीं और जाकर बस जाएंगे। नहीं दीदी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनसे प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, मगर अब से हम इस बोध के साथ जिएंगे कि इस घर में हमारा भी हिस्सा है। चलिए। मुझे धक्का दो और अंदर जाओ। क्या कह रही है आप? मुझे धक्का दो और अंदर जाओ। रमा, दे धक्का और आगे बढ़। बुआ, क्या कह रही है आप? आई, हटिए सामने से। नहीं हटूंगी। अगर तू अंदर जाएगी तो मुझे धक्का देकर जाएगी। हाँ रमा, दे दे धक्का। जीजाबाई को आज समझ में आए कि रिश्ते में बड़ा बनकर छोटों को ठोकर मारने का काम आए तो आज नहीं तो कल छोटे पत्थर समझकर रास्ते से हटा ही देंगे। मार धक्का। रमा, एक बार फिर कह रही हूँ, अगर तुम यही रहोगी तो कुछ नहीं सुधरने वाला है। दीदी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आप भी जाएंगे। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से एक अलग शुरुआत होगी। ठीक है, तो अपनी सास को मारो धक्का, गिरा दो उसे, फिर करो नई शुरुआत। नहीं, रमा अपनी सास को धक्का नहीं दे सकती। नहीं भी, नहीं भैया भी। हाँ बाला भैया, लक्ष्मी के साथ हमारा चले जाना सही है। आनंद, आनंद, आज इस घर का भविष्य घर की दो बहुओं के हाथ में है। आई, सामने से हटिए, जिद मत कीजिए। धक्का मार के जाना। आई, हटिए ना सामने। नहीं हटूंगी। तो ठीक है, फिर यही करते। नहीं रमा, ये मत करो, अपनी सास को धक्का मत दो। लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना।
दे धक्का ताकि पूरी चाल के लोग भी देखें अच्छी और सुंदर बातें करने वाली रमा असल में है कैसी। धक्का नहीं मारूंगी, हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाऊंगी। चलिए हाथ छोड़ो मेरा। चलिए रमा हाथ छोड़। चलिए प्रेम ना हाट बेकाय राजा प्रजा जो ही रुचे सिस दे ही ले जाय सिस दे ही। दोनों बहुआ ने मिल के बेइज्जती की है। रमा लक्ष्मी कोनो बदतमीजी नहीं की है, बल्कि वो लोग अपने सास का मान भी रखी, अपने हक का लड़ाई भी लड़ी, हमें सफल भी हुई गई। अरे तो हम तुमका तो कुछ कहे नहीं, तो तुमका कहे बुरा लग रहा है, और जौन कुछ भी कहे वो रमा लक्ष्मी को बोले। यही लिए बुरा लग रहा है कि वो दोनों जने भी हमारी तरह एक औरत है, और जैसे उनकी सास है ना वैसे हमरो एक सास नहीं। हमें आ तुम्हें घर से बाहर निकाल दीस रही, तुम तब वो जात रहे ना अपने माँ से मिले जब तक वो जिंदा रही, लेकिन हम कब नहीं गए उनसे मिले, जबकि गलती सरासर हमरे सास की रही। अरे तो अब तो मर गई ना वो, तो कहो के बारे में बात कर रही है। लेकिन हमारी को गलती ना ही रही, बस रमा किसी से आवाज नहीं उठा पाए, फिर अपने सास के प्यार से अपने घर द्वार के सुख से हमेशा दूर रहे, और उस सबका असर ही हुआ कि हम चुप रह गए, उनका लिहाज करे के चक्कर में खुद को इतना कमजोर बना लिए कि कबहू उनको गलत ना ही कहे। अरे हमरे समझ में नहीं आवत है कि तक कही का रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमरे अंदर कबो इतना हिम्मत काहे नहीं हुआ कि हम अपने सास के सामने उनके गलत को गलत कह सके। खुद तो दुई ठो कपड़ा ढूंढ के नहीं ला सका था, और हमको भी चैन से काम नहीं करने देते थे। एक सीमा के बाद हर कोई को अपने हक के लिए लड़ाई जरूर लड़े के चाहिए, आवाज जरूर उठाए के चाहिए। रमा लक्ष्मी जो की है एकदम सही की है, बहुत सही की है। छोड़ो आई, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं ना, आप हम लक्ष्मी दीदी आनंद भैया बुआ जैसे पहले रहते थे। अला भैया ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमारा यहाँ रहना बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। वो बाबा जब आएंगे तब देख लेंगे, फिलहाल तुम सब लोग यही रहो, मैं चलता हूँ। आप भी घर में चलिए ना, अब जब बाकी सब साथ हो गए तो आप भी साथ रहिए ना। बाला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपनों के साथ रहना अपने परिवार के बीच रहना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन
शोभा का क्या? बेटी माना है मैंने उसे, वैसे भी उसके जीवन में बहुत सारे रिश्ते बीच में ही छूट गए हैं। मैं भी उसे आधे आधे रास्ते में छोड़ दूंगी तो उसे बहुत दुख होगा, उसका विश्वास टूट जाएगा, वो जीवन में कभी कोई रिश्ता निभा नहीं पाएगी। मैं यहीं पर ठीक हूं वाला, और मैं कहां दूर रहती हूं, हाँ तुम लोगों के पास, तुम लोगों के साथ तो हूं। जब भी जरूरत होगी आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन शोभा का घर छोड़कर आने के लिए मत कहना मुझे। भले ही बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, फिर भी मैं खुश नसीब हूं कि मेरे पास मेरी आई है और मेरा बेटा दीपक। भीम का असर हो गया बुआ आप पर भी, नैतिकता की इतनी दीवार खड़ी कर देता है कि सामने वाला कोई तर्क ही ना दे पाए। चलता हूं, आप ध्यान रखिए। बाला, भैया भी मिल नहीं रहे हैं, उन्हें भी तो ढूंढना होगा। उनकी चिट्ठी पढ़कर हम निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते हैं। हाँ पता है मुझे भी वो, अब मैं भी कोशिश करता हूं। चलता हूं। आप यही रहेंगे ना? कहाँ जाऊंगी मैं बेटा, यही रहूंगी। लेकिन क्यों पूछ रहा है तू? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उस सब की वजह से आपका मन विचलित, अशांत और खिन्न होगा। आपका क्या, मेरा भी मन बहुत भारी है। मेरा भी मन भारी है। ठीक है रमा, अभी कुछ लोग आएंगे, तुम उनके बैठने की और जलपान की व्यवस्था करो। कौन आएंगे? आज बौद्ध पूर्णिमा है, आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, इसलिए हर साल की तरह कुछ बौद्ध भिक्षु आएंगे और कुछ मंत्र पढ़ेंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, जिससे हम सबका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम तैयारी करो, मैं उन लोगों को बुला कर लेके आता हूं। जब देखो खाली काम कर दो समय पे, बस पैसा काम करवा लेगा, पैसा नहीं देगा, ये लोग क्या समझ के रखा। खाली काम कर दो समय पे, पैसा मांगने जब पैसा नहीं, इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता। हितेश काका, हाँ अभी भूत की शरण में आ जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप कीजिए, इससे आपका मन शांत होगा और आप भी भीम भैया की तरह अच्छी बातें करने लगोगे। हितेश काका, बड़ा भीम का तरफदारी करने के लिए, संभालो इसको। बेटा वो बड़े हैं तुमसे, और पूजा पाठ व्यक्ति की अपनी आजादी पर निर्भर करता है, इसलिए किसी के भी ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। पर तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आइए। भीम भैया आ गए। आई हर पिक्चर का है, आप चलिए ना, मन से ना सही बेमन से वहां बैठ जाइए, क्या पता आपके मन को भी थोड़ी शांति मिल जाए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं।
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि चले गए आप। अब कहाँ ढूंढूं मैं आपको? हमेशा से ही आपने आपके बेटों के लिए मुझे छोड़ दिया है। और आपके बेटे आपको ढूंढने की बजाय घर में बैठेंगे ही। खुश है ना सब? फिर से एक छत के नीचे एक साथ रहने जो लगे। अब आए है ना घर में, रहे खुद से। मैं कुछ कहूंगी नहीं, अब सबको बना देती हूँ घर का मालिक, मैं खुद बन जाती हूँ नौकर। बहुत मर्यादा और नैतिकता की बातें करते हैं ना ये चारों। अब उनकी नैतिकता की धज्जियां उड़ा दूंगी। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लाकर रमा और लक्ष्मी बहुत महान बन रही थी। अब उनकी महानता की तुच्छा ही ना उड़ा दूं। तो मेरा नाम भी जीजाबाई नहीं। अब देखना मैं क्या करती हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा को कहाँ ढूंढें। हमने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी बाबा को नहीं देखा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि बाबा को लेकर आप चिंतित हो रही होंगी। हम सब भी उसी विषय पर बात कर रहे थे, सोच रहे थे। नहीं मालिक, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मालिक, एक नौकरानी कैसी बातें कर सकती है? अब तो ये घर आप सबका है। मैं मेरी मर्जी से ना ही किसी को घर में रख सकती हूँ और ना ही किसी को घर से निकाल सकती हूँ। तो कैसा घर? छोड़िए वो सब, आप मुझे बताइए ना, मैं क्या बनाऊँ खाने में? अयब, हमें माफ कर दीजिए। हमारा मकसद ये सब करने का नहीं था, और ना तो हमारा मकसद आपका अपमान करने का था, कि हमने तो आपका मान रखा है। देखिए, बहुत रात हो रही है, मुझे खाना भी बनाना है। आप मुझे बताइए ना, मैं क्या बनाऊं खाने में? आई, अब आइए बैठिए, हम कुछ बना लेंगे। नहीं मालकिन,
आई, ये क्या कर रही है आप? गुस्सा मत होइए मालकिन, आप सिर्फ बता दीजिए, मैं बना दूंगी खाना। आई आई, मेरे पैर छोड़। नहीं मालकिन, मैं यही ठीक हूँ, मालकिन के चरणों में।